आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद ही मैंने सबसे पहले घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। स्टेशन इतना सुनसान था कि मेरे कदमों की आहट तक को मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैं चलकर ट्रेन से थोड़ा दूर गया। पहले तो मैंने सोचा स्टेशन पर ही बैठकर कुछ देर सुस्ताने का, मगर फिर सोचा पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर आराम से सो ही जाऊंगा। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलकर सामने जो नज़ारा था, कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में पहले से ही चल रहा था। एक खाली रास्ता और आसपास घना जंगल। उससे भी अजीब बात तो ये थी कि स्टेशन के बाहर कोई खुली दुकान तो दूर बंद दुकान भी नज़र नहीं आ रही थी, जबकि आम तौर पर ऐसा बहुत कम ही मिलता है। खैर, गांव का इलाका है, शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर मैं उस खाली रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दरअसल इस गांव का नाम है मंगलपुर। यहाँ मेरे बाप दादाओं की काफ़ी ज़मीनें हैं और बहुत सारे बंगले भी हैं। मंगलपुर गांव में मेरा आज 10 सालों के बाद आना हो रहा है। दरअसल मैं शहर में रहता हूँ, साथ ही मेरा पूरा परिवार भी। मैं कभी कदार अपनी जायदाद वगैरह देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, मगर पिछले 10 सालों से मेरा यहाँ पर आना ही नहीं हुआ था। बहुत बार मैंने यहाँ की सारी जायदाद बेचने की भी सोची, मगर ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदना ही नहीं चाहता। रात हर पल और ज़्यादा गहराती जा रही थी। मैं चल तो रहा था, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये शक भी था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। ऊपर से रास्ते पर कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं एक अंदाज़ा लगाकर बस चले जा रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, ये तो मैं पहले से ही जानता था, इसलिए मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था। टॉर्च की लाइट के सहारे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई आदमी खड़ा नजर आया। हालांकि उस वक्त वहां पर उस आदमी को देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, मगर पता नहीं क्यों खुश ना होकर मैं हैरान हो गया। भला ये आदमी इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। खैर, मैं चलकर उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, ये दीनानाथ चौधरी की हवेली कहाँ पड़ेगी, आपको पता है क्या? इस पर वो आदमी बोला, दीनानाथ चौधरी की हवेली? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। उस आदमी की बात पर मैं तुरंत राजी हो गया। 10 घंटों तक वो मुझे रास्ता बताए, इससे अच्छा यही होगा कि वो खुद मुझे वहां तक पहुंचा दे, जिसके बाद मैं उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं काफी थका हुआ था, एक तो ट्रेन का इतना लंबा सफर, ऊपर से पता नहीं अब कितना चलना पड़ेगा। तभी चलते चलते उस आदमी ने कहा, गांव में पहली बार आ रहे हैं क्या? इस पर मैंने जवाब दिया, जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, 10 सालों के बाद आ रहा हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रामू है और मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी इधर उधर की बातें करने लगा। वो आदमी बहुत ही बातूनी किस्म का था। मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर तब भी वो बकबक किए जा रहा था। अंत में तंग आकर मैंने उस आदमी को बोल ही दिया, कितना बकबक करते हो यार, चुप हो जाओ। इस पर वो आदमी बोला, माफ करिएगा साहब, बात करने के लिए हमें कोई मिलता नहीं है ना, इसलिए। फिर मैंने कहा, और कितना दूर चलना पड़ेगा, तब से तो चल रहे हैं हम लोग। इस पर उस आदमी ने कहा, बस आ गए साहब, ज्यादा दूर नहीं है अब,
उस आदमी के इतना कहते ही मुझे सामने एक बड़ी सी हवेली नजर आने लगी। मैं समझ गया कि यही मेरी हवेली है। तभी उस आदमी ने कहा, आ गया साहब, यही है ना आपकी हवेली। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझसे हाँ का इशारा पाते ही वो आदमी वहां से कहीं चला गया। मगर वो जब जा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। खैर, ये मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे पर गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था जो कि 10 सालों से जंग लगकर पूरी तरह से सड़ चुका था। खैर, मेरे पास उस ताले की चाबी नहीं थी, लिहाजा मैंने पास ही में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ताले पर दे मारा। ताला एक बार में ही टूट गया। दरवाजा सरकाकर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। मकड़ियों ने उस घर को अपना घर बना लिया था। धूल की एक मोटी परत किसी चादर की तरह पूरे घर में बिछी थी। 10 सालों में घर का ये हाल होना लाजमी ही था। मैंने सोचा पूरा घर कल साफ करूंगा, आज बस एक कमरा साफ करके सो जाता हूं। मैंने वही किया, एक कमरा साफ करके पलंग पर लेट गया। हालांकि आम तौर पर मुझे ऐसी जगहों पर नींद बहुत कम ही आती है, पर क्योंकि मुझ पर सफर का थकान हावी था इसलिए मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। कुछ देर मैंने प्यास को बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जहां तक मुझे याद था घर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा कुआं था। पता नहीं अब होगा या नहीं। इतना सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और टॉर्च लेकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। घर में इतना अंधेरा फैला हुआ था कि टॉर्च के अलावा कोई चारा ही नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर मैं घर के मेन हॉल में पहुंचा और वहां से घर के पीछे जाने का दरवाजा खोजने लगा। सब कुछ धूल में इस कदर सना हुआ था कि किधर दरवाजा है और किधर दीवार पता ही नहीं चल रहा था। जैसे तैसे आधी नींद में ही मैंने दरवाजा ढूंढा और दरवाजे से घर के पीछे पहुंचा। घर के पीछे बगान में पहुंचकर मैं टॉर्च घुमाकर कुआं ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे कुआं दिखा जिसके पास ही में रस्सी बांधकर एक बाल्टी रखी हुई थी। मैं उस कुएं के पास गया और बाल्टी को कुएं में डाला। थोड़ी देर रस्सी पकड़कर रखने के बाद मुझे जब ये एहसास हुआ कि बाल्टी भर चुकी है तो मैं रस्सी पकड़कर बाल्टी खींचने लगा। मगर ये क्या, मैं रस्सी से बाल्टी खींच ही नहीं पा रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि एक बाल्टी ना खींच पाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बाल्टी को कुएं के नीचे से पकड़कर रखा हो। मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा मैंने अपना टॉर्च निकाला और टॉर्च को कुएं के अंदर घुमाया तो कुएं के नीचे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं क्योंकि कुएं के नीचे एक आदमी था और उस आदमी ने मेरी बाल्टी को पकड़ रखा था। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो आदमी कुएं के पानी में डूब नहीं रहा था, जैसे वो पानी में उड़ रहा हो। डर के मारे मैंने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथों से छोड़ दिया और बगान से भागकर वापस घर में आ गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं भागकर वापस अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर
पलंग पर लेटने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर पलंग पर गई, जहां वही आदमी लेटा हुआ था जिसे मैंने कुएं में देखा था। मेरे डर की कोई सीमा ना रही, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है? अभी तो ये आदमी कुएं में था, फिर इतनी जल्दी कुएं से निकलकर पलंग पर कैसे आ गया? अब ये तो पक्का था कि ये आदमी भूत है, इसलिए मैं तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगा। भागते भागते मैं बार बार पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं था, वो आदमी मेरे पीछे नहीं आ रहा था। भागते भागते मैं सीधे गांव में जाकर ही रुका। वो पूरी रात मैंने गांव में ही गुजार दी। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र एक साधु महाराज से किया तो उन्होंने बताया कि बहुत सालों से अगर कोई घर खाली पड़ा हो, यानी उसमें इंसान का वास ना हो, तो उसमें आत्माओं का वास हो जाता है। उस दिन मैंने अपने घर में पूजा करवाई और अब मैंने गांव के ही एक आदमी को उस घर में रहने के लिए रख लिया है।